हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय कष्ट से होकर गुजर रहे हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु इस समस्या को इनके जीवन से दूर करें, इस दुख को इनके जीवन से दूर करें और आशा को उत्पन्न करें प्रभु, एक होप को उत्पन्न करें प्रभु, विश्वास को उत्पन्न करें प्रभु, आपके नाम पर पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ कष्ट हो, या फिर आपने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में कुछ गुनाह किया हो, परमेश्वर के विरोध में कुछ गुनाह किया हो, जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आ गए हैं, दुख आ गए हैं, समस्याएं आ गई हैं। तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आप पढ़ेंगे होशे की किताब उसका 2:15, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और वही मैं उसको दाग की बारी दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसे बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वहां उन्हें दाग की बारियां दूंगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि मैं उन्हें आशीषित करूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। आकोर, आकोर मतलब होता है कष्ट, यानी कि कष्ट की तराई को मैं आशा का द्वार बना दूंगा, कष्ट के दौरान भी मैं उनके लिए आशा उत्पन्न कर दूंगा। ऐसी जगह जहां वो कष्ट में है, उस जगह से मैं उनके लिए आशा उत्पन्न कर दूंगा। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से बातचीत करता है। दोस्तों, यदि आप जानते हैं आकोर, यदि आप यहोशू की किताब उसका 7 में पढ़ेंगे, तो वहां पर आकोर की तराई के विषय में वर्णन है कि एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, आकान नामक एक व्यक्ति ने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया। परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया था, उसी काम को उसने कर लिया, उसने लालच कर लिया, और लालच करके उसने कुछ वस्तुओं को अपने घर में छुपा करके रख लिया, जिस कारण से इजरायलियों पर विपत्ति पड़ सकती थी। जब यहोशू को इस बात का पता चला, तो सारे इजरायलियों ने उसे पकड़कर एक जगह लेकर के गए, और उस जगह पर उन्होंने उस पर पथराव किया, उसके पूरे घराने पर, उसका जो कुछ था, गाय बैल पशु जितने थे, उन सब पर पथराव किया और उन्हें आग के हवाले कर दिया, उन्हें वहां पर मार डाला। इसलिए उस जगह का नाम आकोर रखा गया। दूसरे शब्दों में कष्ट की तराई, जहां पर अकान की मृत्यु हुई थी, जहां पर पाप करने की सजा उस अकान को मिली थी, और उसके लिए वहां पर कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं थी उस पाप से बचने की, उस मृत्यु दंड से बचने की। परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस जगह को, उस स्थान को, उन लोगों को जिनके पास कोई उम्मीद न है, जिनके पास कोई आशा न है, उनके लिए मैं वहीं से आशा का द्वार उत्पन्न कर दूंगा, उनके लिए उसी जगह को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। मीन्स जिन लोगों ने अकान की तरह परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में पाप किया है, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में चले हैं, हालांकि उन पर भी दंड की आज्ञा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं उनके लिए आशा का द्वार बना दूंगा, मैं उनके लिए एक आशा को रखूंगा, एक आशा उनके पास है कि वो अपने गुनाहों की माफी मांगकर मुझसे क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं, और उनके सब कष्टों को मैं दूर कर दूंगा, उस तराई को मैं उनके लिए आशीष का कारण बना दूंगा, वहां मैं उन्हें दाग की बारियां दूंगा, वहां मैं आशा का द्वार उनके लिए खोल दूंगा। तो दोस्तों, यदि आज आप गुनाह में हैं, यदि आपने गुनाह किए हैं, यदि आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहूंगा प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो आप उस गुनाहों के दंड से बच जाएंगे, उस गुनाहों की सजा से बच जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक आशा के द्वार को खोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप उस पर आशा लगाएंगे, तो प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगनी है, तो प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा और आपके लिए आशा का द्वार खोल देगा, आपके जीवन के उन कष्टों को प्रभु दूर कर देगा। हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय कष्ट से होकर गुजर रहे हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु आपके गुनाहों को तो क्षमा करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपके कष्टों को आपके जीवन से दूर करेगा, और आपके जीवन की उस कष्ट की तराई को,
उस दुख की तराई को आशा का द्वार बना देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है और मेरी 3 गवाही है। मेरी पहली गवाही ये है, मेरी बेटी को तेज बुखार और ठंड लग रही थी, फिर मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, कुछ आराम नहीं, और डॉक्टर ने बोला कि इसकी रिपोर्ट करानी पड़ेगी। फिर मैंने प्रभु यीशु से प्रेयर की और प्रभु यीशु ने मेरी बेटी को छूके चंगा कर दिया। रिपोर्ट निकालने का कुछ काम नहीं पड़ा और वो चंगी भली हो गई। इसके लिए प्रभु यीशु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मुझे 2 दिन से दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करती थी, फिर मैंने अमृता सिस्टर ऑफ के बदले उनके यहाँ प्रेयर सेंटर में कॉल किया और उन्होंने, उनकी टीम ने मेरे लिए प्रेयर की। फिर तीसरे दिन से मुझे दुष्ट आत्माएँ नहीं सताती थी और मुझे अच्छी नींद आ गई। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर विके बदर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही यह है कि मेरे पति को टॉयलेट की जगह बहुत दर्द होता था और ब्लड भी आता था, फिर मैंने प्रभु यीशु से प्रेयर की और प्रभु यीशु ने मेरे पति को छू के चंगा कर दिया। इसके लिए प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम सबसे प्रेम करने वाले, हम सब पर दया अनुग्रह और हमारे गुनाहों को माफ करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तो हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। हृदय की गहराइयों से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम को ऊँचा करते प्रभु। हाँ पिता, अपने हाथों को उठा कर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे स्वर्ग के परमेश्वर, पिता के दाहिने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए, इस सुंदर से पल के लिए, इस प्रभु इस मौके के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु, तेरे बेटे बेटियों के लिए कि देश विदेशों से दुनिया की छोर से परमेश्वर पिता आपके लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं पिता, वहीं आप उन्हें आशीष दें, वहीं होली स्पिरिट आप उन्हें जुम्बिस करें। आज के दिन में होली स्पिरिट आपकी गाइडेंस को मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द होली फादर, यू आर अवर गाइडर, यू आर अवर फ्रेंड लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद 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 हो पिता, तू हमारा दोस्त है, तू हमारा बचाने वाला, तू हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम सब हृदय से परमेश्वर प्रभु अपने प्रभु यीशु मसीह हृदय से गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम घटे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम घटे और आप बढ़े, आप बढ़े पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद पिता। इस पल में परमेश्वर आपका आत्मा हमें गाइड करे, इस पल में एक एक के हृदय की बातों को यीशु आपके आगे रखने में होली स्पिरिट आप सहायता करें। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, होली स्पिरिट आप कार्य करें, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें जुम्बिस करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, अपनी बुद्धि से भरे पिता, आज के दिन में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु यीशु, अपनी शांति दे, अपना आनंद दे और प्रभु इन्हें बल शक्ति दे परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका वचन प्रभु जो आपके लोगों ने सुना है परमेश्वर, इस वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता, आज यदि ये दुख में है पिता, आज यदि ये पीड़ा में है परमेश्वर, आज यदि ये गुनाहों में है पिता, आज यदि प्रभु भारी संकट में है पिता, मैं दुआ करती हूँ इस सुबह में, इस समय में प्रभु तेरे पवित्र नाम से दुआ करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे सम्मुख आकर प्रभु जी मैं ये विनती करती हूँ कि आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, यदि प्रभु आकोर की तराई में से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु उनके लिए आशा का द्वार कर दें, आप उनके लिए दाग की बारियों को उनके लिए खोल दे प्रभु। जिस प्रकार यीशु मसीह हम देखते वचन में प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके बेटे बेटियों का जीवन मानो कि दुख से होकर गुजर रहा है, समस्याओं से होकर गुजर रहा है, स्ट्रगल से होकर गुजर रहा है प्रभु, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ लग रही है, बहुत ज्यादा लाइफ को काटना मुश्किल लग रहा है परमेश्वर पिता, कि किस प्रकार ये लाइफ जी जाए प्रभु, इस प्रकार के थॉट्स यदि इनके मन में है, मैं दुआ करती हूँ पिता यीशु, आप इस आकोर की तराई को उनके जीवन से दूर करें, इस समस्या को इनके जीवन से दूर करें, इस दुख को इनके जीवन से दूर करें और आशा को उत्पन्न करें प्रभु, एक होप को उत्पन्न करें प्रभु, विश्वास को उत्पन्न करें प्रभु आपके नाम पर पिता। हाँ परमेश्वर, इस परिस्थिति में पिता
ये प्रभु उस तराई को देखकर, उस दुख को देखकर प्रभु यीशु मसीह उसमें ना बहे मेरे पिता, वरन प्रभु विश्वास में तेरे ओर जाएं, विश्वास को प्रभु तुझ पर लगाएं, अपनी आशा को तुझ पर लगाएं, क्योंकि प्रभु तूने वचन में इस बात को स्पष्ट किया है, इस बात को क्लियर किया है प्रभु कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया, धन्यवाद पिता, इनकी आशाओं को टूटने ना दे प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। इस समय जितने लोग परमेश्वर रो रहे हैं पिता, आंसुओं को बहा रहे हैं प्रभु, उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह प्रभु बहुत ज़्यादा दुखी है पिता यीशु मसीह। हर एक दुखी हृदय, हर एक जो बातें इन्हें हर्ट कर रही हैं पिता, जो बातें प्रभु इन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा चिंता में लेकर आ रही है पिता यीशु मसीह, आज वो हृदय जो दुख से भरा है वो चंगा हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर, यीशु उस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाले पिता। धन्यवाद प्यारे अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु अपने लाइफ के हर एक फील्ड में प्रभु बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर चंचल हैं, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें स्थिर होने में आप मदद करें। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जो अपनी जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह, बच्चे की आशीष के लिए, अपने घर बनाने के लिए, हर बात के लिए प्रभु जो तुझ पर निर्भर हैं प्रभु, उनका वो आशा का द्वार आप हैं पिता, आप उनके लिए वो आशा पूरी करें पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता आज के दिन में प्रभु, जो इनके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर एक काम हैं प्रभु, वो तेरी योजना के तहत पूरे हों पिता। प्रभु बहुत से फाइल प्रोसेस ऐसे हैं प्रभु जिनमें गड़बड़ियाँ हो गई हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर, कई फाइल्स मिसिंग हो गई है पिता। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ कि आज प्रभु वो खोई हुई बातें प्रभु, मिसिंग बातें प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर आप प्रभु उन बातों को प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु उसका सल्यूशन दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि प्रभु ये जहाँ कहीं भी आज जा रहे हैं, वहाँ जाने में, आने में और इनके कामों को सफल होने में आप मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता। जितने लोग बीमार हैं पिता, हॉस्पिटल में हैं, इनके जानने वालों के, इनके जानने वाले प्रभु जो हॉस्पिटल में हैं, एक एक के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता। मेरे प्रभु चंगाई, छुटकारा, जीवन आपके पास है और वही आपसे मांगने के लिए प्रभु मैं आपके सम्मुख उपस्थित होती हूँ पिता, यीशु के नाम से। उन भाई, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, उस जीवन को, छुटकारे को, चंगाई को, शारीरिक रीति से स्वस्थ होने के लिए मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से। और धन्यवाद पिता कि आपने छुआ और चंगा किया हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक घाव यीशु के नाम से ठीक हो गया है। धन्यवाद। आज आप रिसीव करें, अपनी हीलिंग को रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप इन्हें प्रभु यीशु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें, इनके बच्चों की लाइफ में, इनकी फैमिली लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके आत्मिक जीवन में आप इन्हें आशीषित करें। और जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वहीं आप उन्हें ब्लेस करें। और जितनी विनतियाँ, प्रार्थना, जितने रिक्वेस्ट आए हैं यीशु, धन्यवाद आपने सुने हैं, धन्यवाद उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, जितने लोगों ने अपने बीज को बोया है पिता, वो उसे प्रभु यीशु अपने जीवन में फलवंत होते हुए देखें। आशीषित प्रभु आप उन्हें करें, किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो, अंजल पर, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। तेरे लोगों से उत्तम और प्रभु भली से भली वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं इनसे छिपी ना रहें, पर इनके जीवन में उन्हें देखने पाए पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @HindiBibleMessage, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।